Hey friends, welcome back to a new video. और आज finally PlayStation 5 आ चुका है मेरे पास. ये Blu-ray version है और yes, finally PlayStation 5 आ ही गया friends. तो इसका मतलब है PS4 मुझे नहीं चाहिए. ये क्या है यहाँ पे? Xbox One? Nah. और सीरीज एक्स इसे रख सकते हैं. तो आज हम लोग PlayStation 5 के बारे में बात करेंगे. मैं इसको दो हफ्तों से यूज कर रहा हूँ एंड इट्स अ ग्रेट कॉन्सोल. मतलब अलग ही मजा आ रहा है. हाँ, क्योंकि ये अभी काफी नया लॉन्च हुआ था, थोड़े इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट वो सोनी ने पहले ही बता दिया है कि वो सब सारी इश्यूज सॉफ्टवेयर की अपडेट से फिक्स हो जाएंगी और काफी चीजें फिक्स हो रही हैं. सो हियर्स द PlayStation 5. एज यू कैन सी, हियर्स द Blu-ray drive at the bottom. ये मैंने इसको स्टैंड यहाँ पे लगा के रखा है क्योंकि मैं इसको लिटा के यूज़ करता हूँ, क्योंकि उस पोजीशन में बेटर लगता है मुझे खड़ा करने की जगह. Here at the back are all the ports, heat sink and everything. काफ़ी बहुत बड़ा कॉन्सोल है ये. जस्ट मेरे मुँह के सामने आप इसको ऐसे करके देख सकते हो कि हाउ बिग दिस इज. मतलब सीरीज एक्स अब एक काफ़ी छोटा कॉन्सोल लगने लगा है राइट नाउ. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को. आई एम अ स्मॉल चैनल, तो अगर आप मेरा वीडियो आपको मिला तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, क्योंकि इससे रीच बढ़ती है चैनल की. दैट विल बी रियली अप्रिशिएटेड. सो आप कोई टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द PlayStation 5 फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू. सो इन दिस रिव्यू मैं बात करना चाहूँगा PlayStation 5 के बारे में और मैं आपको आपके क्वेश्चंस को आंसर करना चाहूँगा, जो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इंडिया में कि अभी PS4 लेना बेटर है कि PS5 ले लिया जाए. कुछ वर्थ इट है PS5 राइट नाउ कि नहीं? और मेरा आंसर है कि यस, इट्स वर्थ इट. आप यहीं पे वीडियो बंद कर सकते हैं अगर आप एक PlayStation फैन बॉय हैं. एक्सबॉक्स का कंपैरिजन वीडियो अलग रहेगा, पर हाँ, इट्स वर्थ इट ओवर द PlayStation 4 इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर द प्रो. अगर स्लिम लेना है और आपका बजट टाइट है तब मेरे ख्याल से स्लिम ले सकते हो. 2-3 साल की बात है, चलेगा अभी कॉन्सोल. बट अगर प्रो और 5 में है तब तो भाई PlayStation 5 ही लो. सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. फर्स्ट थिंग से मैं बात करना चाहूँगा वो है द ड्यूअल सेंस कंट्रोलर. ये मेरे ख्याल से मैंने वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर आई एवर यूज्ड. मतलब इसमें एक गेम आता है फ्री में, एस्ट्रोस प्ले रूम, उसको आपको खेलना चाहिए. इट्स अ स्मॉल गेम, थोड़े यू नो ईस्टर एग्स हैं फ्रॉम PlayStation, जो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा फॉर यू. बट दिस कंट्रोलर की सारी पावर उस गेम में मिलती है. अगर इसके फीचर्स आगे आगे इनकॉर्पोरेट हुए इन द फ्यूचर गेम्स, देन PlayStation 5 इज़ अ क्लियर विनर, क्योंकि ये अलग लेवल पे कॉन्सोल को ले जा रहा है. आप यू कैन फील कि आप सैंड पे चल रहे हो, कि आप ग्लास पे चल रहे हो, हवा चल रही है. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, जो सारे YouTube पे रिव्यूअर्स आप देख रहे होंगे बोल रहे होंगे, आप नहीं बता सकते कि हाउ इट फील्स. मुझे खुद कुछ और लगा था, और जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम अपने हाथ में लिया और खेला मैंने, तो मुझे कुछ और लगा. सो ये बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट ऑफ द PlayStation 5 इज द ड्यूअल सेंस कंट्रोलर. ये इज द ड्यूअल शॉक 4 कंट्रोलर. और मैं कसम से बता रहा हूँ, ये बहुत लग रहा है कि सस्ता कंसोल का कंट्रोलर है. मतलब इतना हल्का है, मतलब वेट है ड्यूअल सेंस में. और ये दोनों साथ साइड बाय साइड में कर देता हूँ, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है. मतलब दोनों कंट्रोलर्स अमेजिंग है. हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर कंपेटिटिव खेल रहे हो आप कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, तो अडैप्टिव ट्रिगर्स हैं वगैरह फीफा टाइप में, तब उसको बंद करना चाहोगे वो भी आप आसानी से क्लोज कर सकते हो फ्रॉम द सेटिंग्स मेन्यू. और आप हर चीज़ फिक्स कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो. तो बहुत अच्छा फीचर, मतलब आपके ऊपर थोप नहीं रहा है सोनी कि ये तुम्हें ये करना ही है, ट्रिगर यूज़ करने ही पड़ेंगे. सो ये काफ़ी अच्छा टच है कस्टमाइजेशन ऑन दिस कंट्रोलर. सो इसका वाइब्रेशन एंड ऑल भी DualShock 4 के कंपैरिजन में अमेजिंग है. और अगर इसको स्टैक किया जाए अगेंस्ट द एक्सबॉक्स कंट्रोलर, तो मुझे एक्सबॉक्स कंट्रोलर बहुत पसंद है एज यू गाइस नो. और ये है, मैं एक्सबॉक्स कंट्रोलर को स्टिल प्रेफर करूँगा फॉर कंपेटिटिव गेमिंग ऑन द एक्सबॉक्स, क्योंकि अब लाइव वगैरह फ्री हो चुका है तो वॉर्ज़ोन एंड ऑल खेल सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी लाइक द PS Plus. सो दैट्स गुड. बट इफ़ यू आर सेइंग द ओवरऑल कंट्रोलर, देन इट्स PS Plus, इट्स ड्यूअल सेंस, सॉरी फॉर PS Plus. और बाकी इसमें फीचर अगर आगे के इनकॉर्पोरेट हुए, देन दिस इज़ द रियल विनर. आप अगर कंपेटिटिव गेमिंग में हो, then for me it's Xbox, but वैसे it's a DualSense controller, so yeah, it's a great controller. और PlayStation 5 लेने का बहुत बड़ा selling point है ये. so if you are interested in it, so please go for the PlayStation 5. the second thing about
PlayStation 5 is the loading times. मतलब गेम ऐसे खुलते हैं, मतलब आप एक बार गेम स्टार्ट कर लो फ्रॉम द फर्स्ट, तो मैंने माइल्स मोरालिस किया तो एक बार क्रेडिट दिखाएगा, पर वो हर बार आप गेम खोलोगे तो नहीं दिखाएगा. मतलब इट सेव सो मच टाइम. सो SSD है, लाइटनिंग फास्ट SSD है जो कस्टमाइज है ऑन द PlayStation 5, तो उसकी वजह से गेम्स अल्ट्रा स्पीड से चलते हैं. मतलब देयर इज नो लोडिंग टाइम. आपको फीफा में ओपोनेंट की टीम नहीं दिखाई देगी, आपको माइल्स मोरालिस में हिंट्स नहीं दिखाई देंगे. तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये फ्रॉम द PlayStation 5. और बाकी सोनी इसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है कि थोड़ा लोडिंग टाइम में, मतलब थोड़ा आपको बेसिक हिंट्स वगैरह दिख जाए तो फील आती है. मैंने रिडेम्पशन 2 उस पर ट्राई किया, PlayStation 4 पे ये 2 मिनट की लोडिंग टाइम यहाँ पे गिन के 40 सेकेंड्स हो चुकी है. मतलब कैन यू इमेजिन दैट. मेरे को आदत ही नहीं है इतना जल्दी कोई चीज़ लोड होने की. So the loading time on this console are amazing and that's a big selling point for the PlayStation 5. Third point is the UI. UI काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है. हाँ ठीक है, उसको थोड़े fixes चाहिए than the PlayStation 4 UI के साथ. PlayStation 4 UI एकदम perfect stage पे आ गया था, पर काफ़ी fresh feeling है और काफ़ी मज़ा आता है. R1 दबाओगे सीधे मल्टीमीडिया में आ जाओगे, L1 से सीधे आपके गेम्स आ जाएंगे, लाइब्रेरी पूरी PlayStation 4 की मिल जाएगी आपको वहाँ पे. साथ में PS Plus कलेक्शन मिल जाएगा ऑफ 15 to 20 ग्रेट PlayStation गेम्स जो मैंने सारे अवेल कर लिए हैं अपने PlayStation 5 पे. आपको भी कर लेने चाहिए अगर आप PlayStation ऐप के थ्रू, आपके पास जैसी PS Plus है अगर आपके पास, तो PlayStation 5 लेते ही आप PlayStation ऐप या उस कंसोल से तुरंत अपने गेम्स अवेल कर सकते हो, लाइब्रेरी में डाल सकते हो. जब वो कर लेना चाहिए व्हेन यू गेट द कंसोल. और एवरीथिंग जस्ट फील सो स्मूथ नाउ. हाँ ठीक है, थीम्स चली गई, बट द PlayStation Store इज जस्ट डाउन बिलो, कुछ क्लिक नहीं करना पड़ता. इट्स क्विकर नाउ, PlayStation 4 की तरह एकदम अटकता नहीं है. एंड एवरीथिंग जस्ट फील सो स्मूथ ऑन द PlayStation 5. अब जैसे ही आप कॉन्सोल खोलोगे एंड यू गेट इन द UI, आपको पता है कि आप एक बहुत ऑसम चीज़ में एक्सपीरियंस करने वाले हो. सो इन माई ओपिनियन येस, द UI चेंजेस इज रियली अप्रिशिएटेड बाय फ्रॉम मी बाय टू सोनी, क्योंकि Xbox ने कुछ चेंज नहीं किया जो एक तरीके से ओके था. बट हाँ, यहाँ पे लग रहा है कि मैं एक नेक्स्ट जनरेशन कंसोल में आया हूँ, मुझे एक्सबॉक्स में ये नहीं लग रहा था. सो दैट्स अ गुड थम्स अप फ्रॉम मी टू सोनी. फोर्थ पॉइंट, और जो काफ़ी PlayStation फैंस सोच रहे होंगे मैंने अब तक क्यों नहीं बोला, इज ऑफ कोर्स द एक्सक्लूसिव्स. स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस हो या फिर आपका डीमन सोल हो या गॉडफॉल हो या बग स्नैक्स हो, ये सारे गेम्स PlayStation 5 पे ऑन लॉन्च हैं. माइल्स मोरालेस छोटा गेम, बहुत अमेजिंग गेम है. डीमन सोल इज अमेजिंग. सो ये सब गेम्स को लॉन्च पे मिल रहे हैं ऑन द PlayStation 5 ओवर द एक्सबॉक्स. सो ये काफ़ी अप्रिशिएटेड है फ्रॉम द सोनी फैंस. और उसके बाद आपके सारे PlayStation 4 के सारे गेम्स इस पर चल जाएंगे बिकॉज दिस कॉन्सोल इज बैकवर्ड्स कंपैटिबल. मैंने अपना Red Dead Redemption 2 चलाया, Spider-Man चलाया ओरिजिनल वर्जन ऑफ द गेम, FIFA 21. सो सारे गेम्स इस पर आधों को PS5 अपग्रेड मिल रही है. और गेम्स लाइक Red Dead Redemption 2 और GTA 5 को काफ़ी अच्छा लोडिंग टाइम्स के हिसाब से अपग्रेड मिल रहा है, थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ रहा है और लोडिंग टाइम्स काफ़ी हाई हो जा रहे हैं इन सब गेम्स में, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है. और GTA 5 और Redemption में डेफिनेटली इन द फ्यूचर अपडेट्स आएंगी, Cyberpunk में भी आएंगी. सो yeah, दिस इज़ अ गुड पॉइंट कि चलो Xbox में भी आएंगी, बट हाँ बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी है. सो प्लीज़ डोंट थ्रो योर PlayStation 4 गेम्स अवे. PS4 के गेम्स अपने पास ही रखना, PS4 बेच सकते हो, PS4 के गेम्स अपने पास ही रखना, क्योंकि सारे गेम्स PS5 पे चलेंगे एक दो के अलावा, जो डेफिनेटली कोई केयर नहीं करता उनके बारे में. सारे बड़े गेम्स गॉड ऑफ वॉर, अनचार्टेड, Assassin's Creed इवन ऑन द PS4, मतलब मैं थर्ड पार्टी गेम्स के नाम ले रहा हूँ, वो तो एक्सबॉक्स पर भी चल जाएंगे. और फर्स्ट पार्टी में भी सारे गेम्स Ghost of Tsushima एंड एवरीथिंग वुड वर्क एब्सोल्युटली फाइन ऑन द PlayStation 5. सो या ये काफ़ी अच्छी बात है फॉर द PlayStation 4 यूजर्स, क्योंकि उससे आपका यू नो द ट्रांजिशन इज़ वेरी इजी. ट्रांजिशन से याद आया, द सेटिंग ऑफ द कॉन्सोल इज़ वेरी इजी. आप तुरंत उसमें अपना टर्न ऑन द कॉन्सोल, या तुरंत आपको PlayStation ऐप से अपना आप साइन इन करके, बस एक कोड स्कैन करके आप तुरंत यू कैन जंप इनसाइड योर PlayStation, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो मेरे हिसाब से दैट्स अ ग्रेट फीचर. और बाकी UI के जो स्मॉल ट्वीक्स हैं, नाउ यू कैन गेट हिंट्स, नाउ यू कैन चेक हुज़ इन द पार्टी, आप किसको ब्लॉक करना चाहते हो, किसको नहीं ब्लॉक करना चाहते हो. सो या ये छोटे छोटे चेंजेस हैं फ्रॉम PlayStation इन द UI. मतलब फ्रॉम द फर्स्ट देखो तो काफ़ी बड़े चेंजेस लगते हैं, बट जो स्मॉल ट्वीक्स हैं वो काफ़ी अप्रिशिएटेड हैं. साथ में फ्लॉज भी हैं जो फिक्स होंगे विद द अपडेट्स. सो इन माई ओपिनियन द UI, द यूज़र एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट ऑन द PlayStation 5 राइट नाउ. मतलब नॉट सो परफेक्ट 90% इन माई ओपिनियन, बट ये 10% जल्दी फिक्स हो जाएगा. सो या
I don't see there's a problem in buying a PlayStation 5 in India right now. हाँ अभी pre-orders खत्म हो चुके हैं but they will get restocked in May, June, I don't know. So आपको तब definitely consider PlayStation 5, sell your PS4 right now if you want to. Or just buy a PlayStation 5 because that console is amazing. This console is amazing. I love it. Or there's going to be amazing 5-6 years with this console I'm going to spend. Xbox के साथ इसका जल्दी ही मैं comparison video बनाऊंगा with the Xbox Series X. So मैं इसको PlayStation 4 के साथ भी compare करूंगा क्योंकि there are some people, especially in India, who still consider a PlayStation 4 because of its price or availability. तो मैं इसके साथ इसका एक PlayStation 4 के साथ भी comparison बना दूंगा आप लोगों के लिए because PlayStation 4 is still pretty relevant in India. So yes, there will be a future video between PS5 and PS4 and PS5 and the Xbox Series X. So ये थे कुछ points about the PlayStation 5 जो काफी you know first impression वाले points हैं जो मुझे कुछ दिन में खेलने में पता चला है. मैं नए जैसे मुझे नई नई चीज़ें मिलेंगी अबाउट द कॉन्सोल मैं डिस्कवर करूंगा तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा ऑन द चैनल. दिस इज द लाइक द बेसिक इंप्रेशन की व्हाट कॉन्सोल गिव्स यू अप फर्स्ट. कोई प्रॉब्लम्स आएंगे कॉन्सोल में मैं उसके बारे में बताऊंगा इस चैनल पे. सो या दिस इज लाइक द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट प्लेस्टेशन 5 की हाउ आई फील अबाउट इट और जो उसके जो सोनी ने जो फीचर्स बताए थे वो रियल लाइफ में कैसे फील होते हैं. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट दैट. Stay tuned to the channel or subscribe kar lena, like kar lena, or see you next time. Have a great day ahead of you. Bye.